रामनवमी पूर्व राष्ट्रपति के छत्रपति संभाजीनगर जबरदस्त हिंसा भड़की है बुधवार रात संभाजीनगर के, बाद संभाजी नगर के इलाके में दो गुटों में मारपीट हुई जिसके बाद दोनों तरफ से बमबाजी आगजनी के साथ साथ पथराव भी हुआ हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जब स्थिति नियंत्रण में है हालांकि रात की हिंसा को लेकर जिले का माहौल बिगड़ चुका है मिली जानकारी के अनुसार उपद्रव ने कुछ निजी और पुलिस वाहनों में आग लगा दी है छत्रपति संभाजीनगर के सीपी निखिल गुप्ता ने बताया कि अब स्थिति

वाहन को आग के हवाले कर दिया हिंसा भड़कने की सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े अधिकारियों समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची पुलिस को देख लोगों ने भी पथराव किया और कार के शीशे तोड़ दिए जिसके बाद भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की बाद में दमकल विभाग के वाहनों ने आग बुझाई स्थानीय लोगों के मुताबिक भीड़ के नहीं सुनने पर धर्मगुरु को बुलाया गया आजाद चौक से सिटी चौक तक पूरी पुलिस सड़क पर थी इस मामले को लेकर सांसद इम्तियाज जलील की भी प्रतिक्रिया सामने आई है उन्होंने कहा नशा करने वाले लड़कों ने आतंक मचाया है पुलिस घटनास्थल पर देरी से पहुंची इसकी जांच होनी चाहिए लोगों से अपील करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें इधर पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने कहा कि रात के साढ़े बारह बजे की यह घटना है मैं अपील करता हूं कि शांति से रहें